Chef, voy a ayudar. हर पल मनाओ केसरी त्योहार विमल बोलो जुमा केसरी। प्रधानमंत्री का रोड पे आगमन हो रहा है जी, कितनी तैयारी चल रही है, कैसे मेरी ऐसी है? मैं यहाँ पे इतना उत्साह, इतना भव्य तैयारियाँ चल रही हैं कि रोड शो ऐसा होगा जो ऐतिहासिक होगा, क्योंकि उन्होंने इतना कुछ अयोध्या को दिया है, इतना कुछ अयोध्या के लिए हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो इसलिए मेरे राम जी 14 वर्ष का वनवास पहले काट के आए थे, फिर झोपड़ी में वो कितने साल वनवास की, अब वो भव्य मंदिर में, ये हमारे नरेंद्र मोदी जी का ही, मेरे प्रधानमंत्री जी का ही एक ऐसा है जो ऐसे जन्म लिए हैं जो उन्होंने बैठाला है, तो हम लोग उनका भव्य स्वागत करना चाहते हैं। मैं लखनऊ से मीडिया प्रभारी हूँ और मैं यहाँ की प्रभारी, लोकसभा चुनाव प्रभारी बनाई गई हूँ। मैं यहाँ पे पूरा कवर कर रही हूँ, देख रही हूँ अयोध्या जिले में कितना ऐतिहासिक चीज़ है जहाँ पे एक प्रधानमंत्री लगातार 4 बार आ गया। जी जी जी, ये ऐतिहासिक है इसलिए कि उनको यहाँ से बहुत ही लगाव है, हमारे जो नरेंद्र मोदी हैं उनको बहुत ही ज़्यादा, उन्हें सिर्फ भगवान भगवान भगवान, ये और ये तो राम जी हैं, वो राम जी को लाने वाले हमारे मोदी जी हैं, तो इसलिए मैं कहूँगी कि वो बहुत ही हम लोगों के लिए ऐसे सनातन धर्म को अपना के और भव्य, मतलब वो ऐतिहासिक चीज़ें करवा रहे हैं, जो ऐसे प्रधानमंत्री बार बार आना चाहिए, कभी ये चेंज ना हो, मैं ये कहना चाहूँगी। क्या नाम है? मेरा नाम रेखा अवस्थी, मैं लखनऊ से हूँ। और जब भी प्रधानमंत्री आते हैं नई ऊर्जा हम लोग के अंदर आ जाती है और हम लोग जो है सब लोग, सारी महिलाएं, पुरुष, हमारे भाई बंधु सब लोग उनकी आगमन की तैयारी में लगे हुए हैं और बहुत अच्छा हमारे यहाँ संख्या रहेगी उनके स्वागत के लिए, क्योंकि मोदी जी के विचार और मोदी जी के काम ऐसे हैं कि हर बंदा, हर व्यक्ति उनको देखना चाहता है। कितना ऐतिहासिक रहेगा कल की रैली? ये बहुत मतलब कहना चाहिए, इस समय तो ये चुनाव पीरियड चल रहा है और अयोध्या वासियों के लिए जब वो आएंगे तब ऐतिहासिक रहेगा, क्योंकि उन्होंने राम मंदिर को उनका अपना स्थान दिया है, तो मोदी जी जब अयोध्या आएंगे तो हमारे अयोध्या के वासी, हमारी जनता उनको एक राम का छवि में देखती है, इसलिए आपको समझ सकते हैं कि कल कितना उत्साह रहेगा रामनगरी में माननीय योगी जी के लिए और मोदी जी के लिए। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अयोध्या का उनका आगमन अयोध्या हो रहा है और यह सभी जानते हैं कि अयोध्या धर्म की नगरी है और राम मंदिर के निर्माण के मार्ग में को प्रशस्त करने में जो प्रधानमंत्री जी की भूमिका रही है उससे अयोध्यावासी कहीं ना कहीं उनके प्रति आभारी हैं, कृतज्ञ हैं और कल इसी आभार का और कृतज्ञता का प्रदर्शन प्रधानमंत्री जी के रोड शो में अयोध्या की सड़कों पर दिखाई पड़ेगा और लोगों के अंदर एक उत्साह है। एक प्रधानमंत्री जी से अयोध्या के लोगों का सीधा कनेक्ट है, सीधा उनसे एक जुड़ाव है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने हमारे रामलला के लिए और हमारी अयोध्या के विकास के लिए जो कार्य उन्होंने किया है वो अभूतपूर्व है। ऐसा सोचा नहीं जा सकता था कि किसी एक नगर में विकास के इतने कार्य एक वर्ष में संभव हों और उससे सबसे बढ़कर हमारे आराध्य के गर्भगृह में रामलला का दिव्य मंदिर बनाना, जो कि 500 वर्ष से हमारी संस्कृति जिसकी प्रतीक्षा कर रही थी उस प्रतीक्षा को समाप्त करके एक अयोध्या में राम मंदिर बना है और मुझे लगता है कि राम मंदिर के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री अयोध्या पहली बार आ रहे हैं, तो अयोध्या के लोगों के मन में, यहाँ के राम भक्तों के मन में प्रधानमंत्री जी के स्वागत को लेकर एक बहुत उत्साह है। अयोध्या में लगातार प्रधानमंत्री 4 बार, कितना सौभाग्य की बात है अयोध्या। देखिए, हमने प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को बहुत नज़दीक से देखा है अयोध्या, और ये जब भी हम आते हैं हम देखते हैं कि
वो प्रधानमंत्री कम और राम भक्त ज़्यादा दिखते हैं। एक राम भक्त, एक भक्त का जो अपने आराध्य की नगरी में आने में जिस तरह से भावना प्रधान हो जाता है, जिस तरह से उसका समर्पण होता है, जिस तरह से उसका अनुराग होता है, जिस तरह से उसकी भक्ति होती है, वैसा उनके हाव भाव से, उनके चेहरे से, उनके क्रियाकलापों से झलकती है। और अयोध्या आने पर एक राम भक्त को जो जो आह्लाद, जो प्रसन्नता मिलती है, वह प्रसन्नता प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर दिखती है। और प्रधानमंत्री जी को अपने बीच पाकर यहाँ के राम भक्त, अपना एक राम भक्त इस देश का प्रधान राम भक्त है, प्रधान सेवक है, यह भावना के साथ अयोध्या के राम भक्त उनका स्वागत करते हैं। वैसे तो वो कई बार अयोध्या आ चुके हैं, लेकिन इस बार भी वो चुनाव की प्रक्रिया में आ रहे हैं और उनके लिए बहुत तैयारी हुई है, जैसे शॉर्ट नोटिस पे काफ़ी अच्छी तैयारी हुई है और हम महिलाओं को भी काफ़ी सजग किया गया है। महिला मोर्चा की पूरी विंग हजारों की संख्या में वहाँ जाएगी उनके स्वागत में। वहाँ ब्लॉक बनाए गए हैं, अयोध्या में तैयारी है, बैरिकेडिंग लगाई गई है। उनके रोड शो में हजारों हजारों की संख्या में लोग आएंगे और हम लोगों को जो भी स्वागत का दिया जाएगा निर्देश, उस तरह से हम लोग उनका स्वागत करेंगे और वहाँ पे बहुत शामिल होंगे अपने आदरणीय। बहुत ऐतिहासिक रहेगा, बहुत भव्य शो होगा, रोड शो, जैसे कि अभी पहले भी हो चुका है। पहले भी काफ़ी मतलब इतना हम लोग ने जो भी प्रयास किया उसके अनुरूप बहुत ज़्यादा संख्या में उनके स्वागत में लोग घरों पे, खिड़कियों पे आरती उतार रहे थे, महिलाएं खड़ी थी, फूलों की वर्षा हो रही थी। ये कल के कार्यक्रम में भी होगा।